हेलो दोस्तों, चलिए तो हम देखते हैं एक नया एडिटोरियल। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, तो उसी संदर्भ में सऊदी अरब से नए संबंधों का, नए रिश्तों का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की संक्षिप्त लेकिन एक महत्वपूर्ण यात्रा से वापस लौट आए हैं। इस दौरे की अहमियत इसी से पता चलती है कि भारत और सऊदी अरब अब खरीद बिक्री के संबंधों से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की बात करने लगे हैं। दोनों देशों के बीच बाबत रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन का एक समझौता भी किया गया है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साझा मसलों पर विचार विमर्श करेगा। साफ है कि कभी पाकिस्तान के करीब माना जाने वाला सऊदी अरब अब भारत के साथ संबंधों को नया कलेवर देने में जुट गया है। इससे नई दिल्ली रियाद का आपसी कारोबार शिखर तो छुएगा ही, एशिया महाद्वीप का राजनीतिक समीकरण भी नया रूप ले सकता है। सऊदी अरब व्यापार के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा साझेदार है। वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के बीच 27.48 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। इसमें तेल की अहम भूमिका रही है। भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत ऊर्जा सुरक्षा है। नई दिल्ली अपनी ज़रूरतों का 83% तेल आयात करती है। आंकड़ों की माने तो इराक के बाद सऊदी अरब ही हमें सबसे ज़्यादा तेल बेचता है। यहाँ तक कि तेल उत्पादन 50 से 60% कम होने के बाद भी सऊदी अरब ने भारत को तेल देने में कभी आनाकानी नहीं की। पिछले साल भी उसने भारत को 4.03 टन कच्चा तेल निर्यात किया, जबकि उस साल हमने कुल 20.73 टन कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदा। विकास दर को बनाए रखने में तेल की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में भले ही नई दिल्ली अक्षय ऊर्जा के आधिकारिक इस्तेमाल की ओर बढ़ चली हो और अन्य ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रही हो, सऊदी अरब हमारा एक भरोसेमंद साथी बना हुआ है। यह रिश्ता एक तरफा भी नहीं है। सऊदी अरब को हमारी ज़रूरत है। वह अब अपने संसाधनों का विस्तार कर रहा है। तेल बाजार पर ही वह निर्भर नहीं रहना चाहता है। ऐसा करना उसके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका ने सेल तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने यहाँ तेल उत्पादन बढ़ा दिया है। इससे वहाँ आयात काफ़ी कम हो गया है और निर्यात भी अपेक्षाकृत ज़्यादा हो गया रहा है। जाहिर है कि सऊदी अरब जैसे देशों के लिए, जिनका राजकोषीय पूरी तरह से तेल बाजार पर निर्भर है, विकल्प तलाशना जरूरी हो जाता है। चूंकि वैश्विक मंचों पर भारत की हैसियत लगातार बढ़ रही है, इसलिए सऊदी अरब विभिन्न क्षेत्रों में हमारे साथ साझेदारी करना चाहता है। इसी कड़ी में उसने पिछले महीने एक ऐलान किया था कि वह भारत में ऊर्जा, तेल शोधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन आदि में 100 अरब डॉलर का निवेश करने को इच्छुक है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा निवेश का खाका तैयार करने में मददगार साबित होगी। विदेशी निवेश बढ़ाना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता भी है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी दोनों देशों के नागरिकों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने में भी प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम साबित हुआ। दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड शुरू करने को लेकर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय काम करते हैं। वहाँ हर साल लाखों तीर्थयात्री इबादत करने जाते हैं। इन सब के लिए वहाँ भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित ATM कार्ड रुपए का इस्तेमाल काफ़ी सहूलियत भरा है होगा। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद सऊदी अरब ही तीसरा खाड़ी देश है जहाँ रुपए कार्ड को इस कदर मान्यता दी गई है। इस यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन को संबोधित करना था। उन्हें यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। यह वैश्विक निवेश का एक बड़ा मंच है, इसलिए इसे मरुभूमि में दावोस भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का पूरा हासिल तो आने वाले दिनों से पता चलेगा।
लेकिन उम्मीद इसलिए बनती है क्योंकि बीते मार्च में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के पुरजोर विरोध के बाद इस्लामी सहयोग संगठन OIC के उद्घाटन सत्र में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया था। इसलिए इसने इस्लामिक निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ाया था। इस वक्त जब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय करने में अनवरत जुटा हुआ है और खाड़ी व इस्लामी देशों में भारत को बदनाम कर रहा है, तब सऊदी अरब द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाना और इससे पहले उनकी पिछली यात्रा में उन्हें अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजना, यह बताता है कि भारत की अहमियत को सऊदी अरब समझ रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो तमाम समीकरण यही बता रहे हैं कि अब इस्लामाबाद की उकसावे में रियाद शायद ही अपना पसंद करेगा। पिछले दिनों पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी सऊदी अरब पहुंचे ताकि कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बदलने के खिलाफ वह भारत पर दबाव डलवा सके, मगर सऊदी अरब ने ऐसा करने से सीधे मना कर दिया। एक समय बेशक इस्लामी राष्ट्रों में पाकिस्तान की हैसियत हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है या कि यहाँ उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई है। उसने अपनी यह गति स्वयं की है। अब्बल तो वह गलत विदेश नीतियों का पोषण करता है और फिर स्वयं उन बैठकों या सम्मेलनों से किनारा हो रहा है जहां भारत को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसमें इस्लामी देशों के मंच भी शामिल हैं। चलिए, तो ये थे महत्वपूर्ण एडिटोरियल आज के।